नमस्कार, आठवें सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी पंचायत को सुशासन पंचायत के तौर पर कैसे विकसित किया जा सकता है। पहले समझिए सुशासन पंचायत किसे कहते हैं, यह क्यों जरूरी है। सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस का अभिप्राय पारदर्शिता, जिम्मेवारियां, भागीदारी, खुलेपन तथा कानून के शासन से भी है। सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं हैं। यह भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्यायसंगत और समावेशी होने के साथ साथ कानून के शासन का अनुसरण करता है। महात्मा गांधी ने स्वराज पर जोर दिया था, जिसका मतलब सुशासन है। भारतीय संविधान में शासन के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है, जो कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य पर आधारित है। साथ ही लोकतंत्र, कानून का शासन और लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 16 को सीधे तौर पर सुशासन से जुड़ा हुआ माना जा सकता है, क्योंकि यह शासन समावेशन, भागीदारी, अधिकारों एवं सुरक्षा में सुधार के लिए समर्पित है। सरकार का लक्ष्य सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के सभी निवासियों तक विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं को पहुंचाना है, ताकि विकास परक लाभ सुनिश्चित हो सके। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति सभी स्तरों पर प्रभावी शासन या सुशासन पर निर्भर है। सुशासन की संकल्पना को समझने के लिए सबसे पहले हमें शासन का अर्थ समझना होगा। आखिर शासन क्या है? सत्ताधारियों द्वारा जन सामान्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उनकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए शक्ति और अधिकारों का प्रयोग ही शासन है। सुशासन की अवधारणा में पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूतिपूर्ण उत्तरदायित्व एवं नागरिकों का अधिकतम सहयोग और भागीदारी शामिल है। सभी नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के साथ ही पंचायतों को समस्त उत्तरदायित्व के निर्वहन में सक्षम बनाने के लिए सुशासन का विशेष महत्व है। इसके लिए पंचायतों के हस्तक्षेप के क्षेत्र। ग्राम पंचायतें सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकों का आयोजन हो। ग्राम पंचायतें यह सुनिश्चित करें कि पंचायत स्तरीय समितियों की मासिक बैठक हो। ग्राम पंचायतें सुनिश्चित करें कि उनकी निधियों और गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करने वाले जन सूचना बोर्ड लगाया गया हो। ग्राम पंचायतें सुनिश्चित करें कि सभी भूमि अभिलेखों को डिजिटल रूप से अपडेट किया गया हो। ग्राम पंचायतें सुनिश्चित करें कि वे सिटीजन चार्टर के अनुसार समयबद्ध सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ग्राम पंचायतें यह सुनिश्चित करें कि वो अपने क्षेत्र के गाँव में अनिवार्य ग्राम सभाओं का आयोजन करा रही हों। ग्राम पंचायतें यह सुनिश्चित करें कि बच्चों, महिलाओं और उनके विकास एवं अवसरों से संबंधित मुद्दों पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन हो। पंचायतें यह भी सुनिश्चित करें महिलाओं एवं कमजोर समूहों एवं सामाजिक रूप से वंचित समुदाय के प्रतिनिधियों सहित सभी की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार हो। ग्राम पंचायत स्तर की बैठकों में महिला सदस्यों, समूह संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी हो। पंचायत समिति की बैठकों में उचित अभिलेख रखा जाए और उनका विवरण प्रस्तुत किया जाए। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति जैसे अन्य प्लेटफॉर्म की नियमित बैठक का आयोजन हो। सभी पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं जैसे सचिव, रोजगार सहायक आदि नियमित रूप से पंचायत कार्यालय में उपस्थित हों। पंचायत कार्यालय में शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था हो। स्थानीय विवाद निवारण के लिए सभी समुदाय के सदस्यों के साथ समिति का गठन किया गया हो। वंचित समूहों या स्व सहायता समूहों एवं युवाओं के बीच केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के संबंध में जागरूकता हो। स्थानीय निवासियों को कार्यालय समय तथा महत्वपूर्ण फोन नंबर की जानकारी सुलभता से प्राप्त हो। महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं पर सामुदायिक नेतृत्व में साक्ष्य उत्पत्ति एवं प्रथम पंक्ति कर्मियों व अन्य अधिकारियों के साथ इंटरफेस बैठकों का आयोजन हो।
पंचायत स्तर पर संचालित विभिन्न समितियों की नियमित बैठकों का आयोजन हो। पंचायत स्तर पर संचालित स्व सहायता समूह एवं उनके परिसंघों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों की मासिक बैठकों का आयोजन हो। आइए पंचायतों के विकास हेतु लंबे समय से प्रयासरत श्री योगेश कुमार जी का क्या कहना है इस संबंध में सुनते हैं। गुड गवर्नेंस का मायने अगर हिंदी में हम समझना चाहें तो हम यही कहेंगे कि वो सुशासन की परिस्थितियाँ, सुशासन की परिस्थितियाँ जहाँ एक सरकार सभी के हितों के लिए काम करती है। हालांकि गुड गवर्नेंस में हम कहते हैं कि बहुजन हिताय, लेकिन स्थानीय सरकार के नज़रिए से हम कहते हैं कि सर्वजन हिताय, कोई भी ना छूटे, क्योंकि उसके लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति को वो व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, किसके घर में किस तरह की ज़रूरत है, किस तरह की आवश्यकताएं हैं, क्यों एक परिवार की बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है और क्यों एक महिला स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। तो ये जो छोटी छोटी आवश्यकताओं को हर व्यक्ति की पूरी करने की जो पंचायत के पास क्षमता है, जो उसके पास ताकत है, जो उसके पास अधिकार मिला हुआ है, वही उसको सुशासन की मजबूत इकाई बनाती है। प्रश्न ये उठता है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत भी है और ग्राम सभा भी है। ग्राम सभा निर्णय लेती है कौन व्यक्ति किस योजना के लिए उपयुक्त पात्र है और उन पात्रों को लाभ दिलाने के लिए फिर पंचायत प्रयास करती है। ये दोनों का सम्मिलन ही सुशासन को बनाता है। जो पंचायतें ग्राम सभाओं को मजबूत करती हैं, हर वार्ड हर जगह से आदिवासी समुदायों को, एससी एसटी वर्ग के सभी लोगों को, महिलाओं को, सीमांत में रहने वाले परिवारों को लेकर आती हैं और उनकी आवाज़ ग्राम सभा में सुनती हैं, उनके प्रश्नों को सुनती हैं, अपने आप को जवाबदेह बनाती हैं, वही पंचायतें अच्छी सुशासन की इकाई हैं। तो ग्राम सभा और पंचायतों के मिले जुले प्रयासों से, मिले जुली जिम्मेदारियों की भागीदारी के निभाने से ही अच्छे सुशासन की संरचना हो सकती है। ये पारदर्शिता भी ग्राम सभाओं के माध्यम से हो सकती है। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया कही गई है, सामुदायिक नियोजन की प्रक्रिया कही गई है, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम सभाओं के ऊपर है। तो ग्राम सभाएं अगर ये सब कर पाएंगी, बेहतर ढंग से कर पाएंगी, ज़्यादा उपस्थिति के साथ कर पाएंगी, तो हम ये कहेंगे कि ये पंचायतें ज़्यादा अच्छी सुशासन की इकाई है। हर व्यक्ति के हित के बात कर सकना एक अच्छी पंचायत की नमूना है, जहाँ महसूस हो कि कोई भी व्यक्ति छूटा नहीं है, जो हमारे एसडीजी गोल्स का भी लक्ष्य है कि कोई व्यक्ति ना छूटे। धन्यवाद। किसी भी पंचायत को सुशासन वाली पंचायत बनाने के लिए ये सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई पंचायत इस दिशा में पहल करती है तो निश्चित ही वो सुशासन पंचायत के संकल्प को हासिल कर सकती है। आइए अब समझते हैं इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, 15वां वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। स्वास्थ्य पोषण, कृषि पशुपालन, बागवानी एवं आजीविका आदि कार्यक्रम। सुशासन पंचायत बनाने के लिए इन योजनाओं के अलावा राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। उम्मीद है यह सत्र सुशासन ग्राम पंचायत के संकल्प को हासिल करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।